और आज हम साथ करने वाले बेटा लेक्चर नंबर फोर फॉर द सेम चैप्टर स्टार्टेड ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन तो अभी तक आप एनसीआर पढ़ चुके हो रिवाइज करके आए बेटा आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है अबाउट द ग्रोथ मॉडल्स क्शन आज ये खत्म नहीं होगा इस चैप्टर को खत्म होने के लिए आपको एक एक लेक्चर और मिलेगा ठीक है तो पिछले क्लास में क्या पढ़ा था डिफरेंट कैरेक्टर डिफरेंट एट्रीब्यूट ऑफ पॉपुलेशन जहां पर हमने बात की थी सेक्स रेशियो क्या होता है बर्थ रेट डेथ रेट ये भी डिस्कस किया था कि पॉपुलेशन साइज को मेजर कैसे करना होता है डायरेक्ट तरीके होते हैं नंबर काउंट कर लो बट जहां पर नंबर मीनिंगलेस होता है वहां पे हमने परसेंटेज कवर भी देखा जहां पर वाइल्ड एनिमल्स हैं जहां पर सीधा काउंट नहीं कर सकते ना भजन करके देख सकते हो तो वहां पे इनडायरेक्ट तरीका हमने पढ़ा था टाइगर्स के लिए जैसे उनके पग मार्क्स और जिनके फीकल पैलेट्स होते हैं फीकल नाटर उनके बेसिस पर उसको स्टडी करके इन्वेस्टिगेट करके हम उनका पॉपुलेशन नंबर निकालते हैं अब पॉपुलेशन नंबर किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक जगह पर फिक्स है हमेशा हमेशा के लिए तो ऐसा नहीं है वो बढ़ता और घटता रहता है चार फैक्टर्स पड़े थे नेटेलिटी मोटेलिटी इमिग्रेशन एंड एमिग्रेशन है ना आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा सबसे पहले तो वी विल टॉक अबाउट वी विल टॉक अबाउट ग्रोथ मॉडल्स क्या होते हैं तो ग्रोथ मॉडल्स और सबसे पहले डिस्कस करते हैं हमारी एनसीआरटी के लाइन्स कि जो हमारा ग्रोथ है बेटा पॉपुलेशन का विथ टाइम शो एनी स्पेसिफिक एंड प्रडिक्टेबल पैटर्न वी हैव बीन कंसर्न अबाउट अनबिल्डर्ड ह्यूमन पॉपुलेशन जो ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ती ही चली जा रही है बेटा एंड प्रॉब्लम जो उसकी वजह से क्रिएट हो रहा है कंट्री में बिकॉज पॉपुलेशन बढ़ेगी बेटा तो बहुत सारी चीजें और बढ़ानी पड़ती है इसीलिए एक लिमिट होनी चाहिए हर भी हर किसी के ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन की साइज की size ऐसा नहीं कि कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता चला जाए और अपना नंबर बढ़ाता चला जाए है ना और देखो क्या लिखा हुआ है

कि पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल कैसे किया जाता है तो आपको ग्रो ग्रोथ मॉडल्स पढ़ने बेटा हाउ मेनी यू हैव टू स्टडी टू ग्रोथ मॉडल्स ठीक है पहले अपना समझते हैं फिर एनसीआरटी की रीडिंग लगाएंगे एनसीआरटी खोल करके बैठे रहना तो हमारी एनसीआरटी बेटा दो प्रकार के ग्रोथ मॉडल्स को एक्सप्लेन करती है जो एग्जिस्ट करते हैं एनवायरमेंट में ठीक है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल के लिए एन क्या कहती है अगर नेचर में बेटा अनलिमिटेड रिसोर्सेज होती हैं, तो अगर अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, तो कोई कंपटीशन ही नहीं होगा और अगर कोई कंपटीशन नहीं होगा तो जो भी स्पीशीज के वहां पर पॉपुलेशन रह रहे हैं वो किस प्रकार का ग्रोथ मॉडल शो करेंगे वो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मॉडल शो करेंगे अब इसका क्या मतलब है आओ देखते हैं तो ये पहली कंडीशन क्या हुई कि ये कब होता है वेन रिसोर्स इज अनलिमिटेड वेन रिसोर्स इज अनलिमिटेड तो बेटा कोई कॉम्पिटिशन तो है ही नहीं ना ऑर्गेनिज्म को तो जितना मिलते जाएगा खाता रहेगा और खा खा के क्या करेगा रिप्रोड्यूस करेगा उसके रिप्रोडक्शन को कोई रोकने वाला है नहीं बिकॉज दर इज नो कॉम्पिटिशन बेटा नेचर में जब कॉम्पिटिशन होता है तो कॉम्पिटिशन से कोई स्पीशीज मरते हैं यहां पर कॉम्पिटिशन से कोई स्पीशीज नहीं मरेगा ठीक है हाँ नेचुरली हो सकता है मर जाए या किसी का बर्थ हो सकता है मतलब इस तरीके की पॉपुलेशन में जो दो इंपॉर्टेंट ग्रोथ फैक्टर्स होंगे वो एक बर्थ होगा और एक डेथ होगा यही डिसाइड करेगा एक पॉपुलेशन के साइज को एक पॉपुलेशन में क्या चेंज आ रहा है और ये चेंज के लिए दो ही चीज रिस्पॉन्सिबल है बर्थ एंड डेथ क्यों क्योंकि क्यों, अदर कोई फैक्टर कॉम्पिटिशन हो ही नहीं रहा क्यों कॉम्पिटिशन नहीं हो रहा बेटा रिसोर्स ही नहीं कोई लड़ाई नहीं है तो मारकाट भी नहीं है अगर आपको पता चल जाए बेटा कि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए सीट अनलिमिटेड है शायद तुम भी मेहनत करना छोड़ दो पढ़ना छोड़ दो है ना बट नेचर में क्या ऐसा होता है हर चीज मुफ्त की अनलिमिटेड मिलती है नहीं बेटा हर चीज के लिए तुम्हें फाइट करना पड़ता है आज तुम्हें कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए फाइट करना पड़ेगा एवरीथिंग इज लिमिटेड बेटा नेचर कोई भी चीज मुफ्त में लिमिटेड अनलिमिटेड नहीं रखती है लेकिन अगर रखेगी तो ये वाली ग्रोथ मॉडल चलेगी तुम खुद सोचो बेटा पिज्जा वाले अनलिमिटेड पिज्जा लेते जाओ इतनी लंबी लाइन लगेगी मस्त कोई मारकाट नहीं होगा हाँ लाइन में लगने थोड़ा तुम कर सकते हो अदरवाइज सबको पता है सबका नंबर आएगा सबको मिलने वाला है अब वही अगर कॉम्पिटिशन पता चले जाए कि जो पहले आएंगे उन्हीं को सौ फ्री मिलेगा होगी ना वहां पर प्रॉब्लम होगी ना क्योंकि वहां पर लिमिट लग चुकी है ठीक है बट मान लो अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है, है अनलिमिटेड रिसोर्स तो क्या होता है कैसे निकालोगे चेंज इन पॉपुलेशन देखो चेंज इन पॉपुलेशन को कैसे लिखते हैं बेटा डी एन बाई डी टी इतना तो पता होगा मेरे बच्चों को इतनी फिजिक्स पढ़ते हैं आप सो दिस इज वॉट चेंज इन पॉपुलेशन चेंज इन पॉपुलेशन ठीक है एन मतलब पॉपुलेशन साइज टी मतलब टाइम पहले ही बता रखा था आपको पिछले लेक्चर्स में ये कैसे निकलेगा बी माइनस डी एन इसमें इमिग्रेशन इमिग्रेशन वो सब काउंट नहीं किया गया है ठीक है बी इज बर्थ डी इज डेथ और उसको पॉपुलेशन साइज से तुम तो मल्टीप्लाई कर दोगे तो बी माइनस डी को हम रिप्लेस कर देते हैं विदर आर आर क्या है बेटा इंट्रेंसिक रेट ऑफ इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज इसका क्या मतलब है बेटा देखो नेचर में अगर कोई चीज अनलिमिटेड है ठीक है तो हर ऑर्गेनिज्म उस रिसोर्स को उस खाने को एक्सप्लॉयड करेगा और खाने के बाद बेटा ऑर्गेनिज्म का काम क्या है ऑर्गेनिज्म का दो ही तो काम है ईट एंड रिप्रोड्यूस ईट एंड रिप्रोड्यूस रिप्रोड्यूस ईट एंड तो इस रिसोर्स को वो खाता जाएगा और अपना नंबर बढ़ाता चला जाएगा जिस रेट से उसकी पॉपुलेशन साइज बढ़ती चली जाती है इसको हम बोलते हैं इंफ्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज या हम इसको दूसरे भाषा में बोलते हैं बेटा बायोटिक पोटेंशियल दैट मीन्स कितनी पोटेंशियल एक ऑर्गेनिज्म की है कि वो खा खा करके अनलिमिटेड रिसोर्सेज को यूटिलाइज करके अपनी पॉपुलेशन की साइज को बढ़ाता चला जाए आप खुद सोचो ऐसा करना वुड बी बेनिफिशियल फॉर द नेचर बेटा नेचर तो लिमिटेड ही है ना ऐसा थोड़ी कि अगर एक जैसे फॉर एग्जाम्पल बेटा आपके स्कूल में पचास जैसे पर पचास चेयर ही है तो तुम फिफ्टी वन इक्यावन बच्चे को बैठा सकते हो क्या जमीन में बैठाना पड़ेगा क्योंकि चेयर तो अवेलेबल ही नहीं है दैट मीन्स हर जगह लिमिटेशन होती है तो ये नेचर के पास इतनी जगह ही नहीं है बेटा इतने अनलिमिटेड वाले को बैठाना नेचर इस तरीके के फिनोमिना को पसंद नहीं करता है कि तुम भैया रिप्रोड्यूस करके अपनी जनसंख्या बढ़ाते चले जाओ नेचर डोंट डॉ डॉट लाइक दिस ठीक है दैट मीन्स ये अच्छा प्रकार का ग्रोथ मॉडल नहीं है और वैसे भी बेटा ये अनलिमिटेड रिसोर्सेज नहीं होती ये एक कंडीशन है अगर हो गई तो भैया ठीक है ऐसा चलेगा ठीक है अब अगर मैं आपसे पूछूं कि बायोटिक पोटेंशियल को और अच्छे से डिफाइन करो

उसके पास सौ ही टाइगर के लिए रिसोर्स है तो वो सौ ही टाइगर को होल्ड कर सकता है दैट मीनस नेचर का मैक्सिमम लिमिट है सौ टाइगर को होल्ड करना मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूं बेटा वो इससे ज्यादा एक्सीड नहीं कर सकता ये उसकी कैरिंग कैपेसिटी है ठीक है तो क्या होती है कैरिंग कैपेसिटी मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज जो नेचर जो हमारा इन्वायरमेंट होल्ड करके कैरी करके रख सकता है बट इनको क्या मतलब है इस तरीके के ग्रोथ मॉडल को कोई फर्क पड़ रहा है कि कितनी लिमिटेड नहीं क्योंकि रिसोर्स ही अनलिमिटेड है तो हर ऑर्गेनिज्म खा खा करके अपना नंबर देखो नेचर के पास कितनी सीट है उसको कोई मतलब नहीं है, है मतलब नहीं। देखो उसने कैपेसिटी को पार कर दिया तो जब जब रिसोर्स अनलिमिटेड होता है बेटा आपको इस तरीके का ग्राफ मिलता है और आप शेप देख सकते हो शेप इज जे शेप आपसे सीधा यही क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि अगर अनोर्स अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं तो ग्रोथ मॉडल का शेप क्या होगा तो आप बोलोगे जे शेप इसकी इक्वेशन पूछी जाती है तो इसकी इक्वेशन क्या आती है डीएन बाई डी टी बी माइनस डी को हमने क्या कर दिया था आर एन ठीक है ये इसकी इक्वेशन आपसे यही पूछा जाता है क्लियर हो गया बट आपको जैसा कि पता है नेचर में हर चीज अनलिमिटेड नहीं है सब चीज के लिए लिमिट लगा हुआ है बेटा है ना मतलब नेचर में ऑर्गेनिज्म का बायोटिक पोटेंशियल अचीव कर पाना अपने पॉपुलेशन साइज को बढ़ा करके आर वैल्यू को इंक्रीज करना यह पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचर में बेटा खाना भी लिमिटेड है जिस जगह पर हम रह रहे हैं वो भी लिमिटेड है तो उस जगह के लिए और खाने के लिए जो भी ऑर्गेनिजम्स रहेंगे वो आपस में कंपटीशन शो करेंगे लड़ाई होगी और बेटा लड़ाई में कोई ना कोई तो मरता ही है ठीक है तो इस तरीके से इनकी पॉपुलेशन साइज अराउंड दी कैरिंग कैपेसिटी ही रहेगी ये कैरिंग कैपेसिटी पार नहीं कर पाएंगे ठीक है और नेचर को इस प्रकार का ग्रोथ पसंद है तो क्योंकि फालतू का जब पॉपुलेशन की साइज इंक्रीज होगी तो नेचर पे ही तो बर्डन हो रहा है नेचर पे ही तो लोड क्रिएट हो रहा है एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड तो नेचर के लिए भी बैड है तो नेचर यही चाहता है उन ऑर्गेनिजम्स को सेलेक्ट करना चाहता है जो अपनी पॉपुलेशन के साइज को कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड रखे बट कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसा वाला पॉपुलेशन ग्रोथ भी शो करते हैं बेटा ठीक है ये कब शो होती है बेटा वेन रिसोर्सेस व्हेन वेन रिसोर्स इज लिमिटेड रिसोर्स क्या है बेटा लिमिटेड है ठीक है कैसे लिखोगे इक्वेशन डीएन एन बाई डी टी ये क्या हो गया चेंज इन पॉपुलेशन ज इक्वल्स टू आर एन ये तो होगा क्योंकि बर्थ और डेथ तो बेटा एक नेचुरल फिनोमिना है वो किसी भी इकोसिस्टम किसी भी नेचर में चलेगी इसको एन से मल्टीप्लाई किया और क्या होता है यहां पर के माइनस एन अपॉन के ये क्या है बेटा इसको बोलते हैं हम इसको बोलते हैं हम इनवायरमेंटल रेजिस्टेंस इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस ये क्या है बेटा नेचर में इन्वायरमेंट में बेटा बहुत सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो बायोटिक पोटेंशियल को अचीव नहीं होने देते रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज को नहीं होने देते कौन से फैक्टर्स हैं फॉर एग्जाम्पल कहीं सूखा पड़ गया कहीं बाढ़ आ गई कहीं न्यूट्रिएंट की कमी हो गई कहीं स्पेस की लिमिटेशन हो गई ये सारे ऐसे फैक्टर्स हैं जो ऑर्गेनिज्म को अच्छे तादाद में रिप्रोड्यूस नहीं करने देंगे उनके बच्चे नहीं आ पाएंगे दैट उनकी पॉपुलेशन साइज नहीं बढ़ेगी या आप ये कह सकते हो इन फैक्टर्स से उनका बायोटिक पोटेंशियल नहीं आएगा तो इसको बोला जाता है इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस जहां पर के का मतलब तो आपको पता है कैरिंग कैपेसिटी एन का मतलब क्या है एन का मतलब क्या है बेटा पॉपुलेशन साइज ठीक है और आर रेट ऑफ़ इंक्रीज और एन तो आपको पता ही है पॉपुलेशन साइज होती है अगर हम इस तरीके के ग्रोथ मॉडल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो देखो क्या आएगा इसमें जो इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस है दैट मींस वो सारे फैक्टर्स खाना रहना एक जगह पर न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो जाना ये सारे फैक्टर्स बायोटिक पोटेंशियल तो आने नहीं देंगे दैट मींस फालतू फंड में ये पॉपुलेशन साइज ऐसे ही नहीं बढ़ती चली जाएगी नहीं नहीं बढ़ सकती यहां पर दैट मींस ये पॉपुलेशन साइज कहां पे रहेगी बेटा ये पॉपुलेशन साइज अपने आप को स्टेबलाइज करके रखती है नियर द कैरिंग कैपेसिटी या कैरिंग कैपेसिटी के बराबर रखेगी या नियर टू दी कैरिंग कैपेसिटी रखेगी इससे ज्यादा नहीं बढ़ सकती नहीं तो पॉपुलेशन साइज क्रैश कर जाएगी ठीक है इसका इक्वेशन अगर आपसे पूछे तो क्या बोलोगे डी एन बाई डी टी इज इक्वल्स टू आर एन के माइनस एन बाई के के माइनस एन बाई के का वो सारे इन्फायमेंटल फैक्टर्स जो पॉपुलेशन साइज को के से ऊपर नहीं जाने देते शेप देखो तो क्या बोलोगे सिग्मोइड शेप या हम इसको बोलते हैं एस शेप्ड कर ठीक है तो आपसे ग्रोथ मॉडल एक्सप्लेन करने के लिए आता है आप एक्सप्लेन करोगे ये सारी बातें लिखोगे ग्राफ बनाओगे यू विल गेट फुल पॉइंट और बायोटिक पोटेंशियल को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि अगर रिसोर्स अनलिमिटेड है तो जो भी ऑर्गेनिज्म है बेटा उसको रिस्ट्रिक्ट करने के लिए कोई चीज है ही नहीं तो उसकी जो पॉपुलेशन की साइज होगी जो ग्रोथ होगा वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा जैसे घर में बेटा इसीलिए कहते हैं बेटा चेक्स लगाने बहुत जरूरी अगर घर में आपको कोई रोक रोकने टोकने वाला ना हो आपको कोई डांटने वाला ना हो समझाने वाला ना हो तो शायद आपकी भी ना जो गेम खेलने वाला स्पीड है ना वो अनरिस्ट्रिक्टेड होगा कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं है घर में क्योंकि वो अच्छी चीज़ है बुरी चीज़ है क्योंकि बुरी चीज है चेक्स लगाने जरूरी है आप बच्चे हो इसीलिए मम्मी पापा बार बार पे समय समय पर आकर के देखते रहते हैं पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो ठीक है दैट मीन्स वो देखते रहते हैं आप पे चेक करते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं ठीक है रिस्ट्रिक्शंस लगाने वाला ग्रोथ मॉडल ये अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ मॉडल ये और अनरिस्ट्रिक्टेड जब किसी ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है उसी को हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस क्या होता है वो जितने भी इनवायरमेंटल फैक्टर्स इस अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ को ना होने दे। उस देवायरमेंटल फैक्टर्स में क्या क्या आ सकता है बेटा उस एनवायरमेंटल उसमें आ सकता है हमारा फूड फूड की लिमिटेशन होती है बेटा स्पेस की लिमिटेशन होती है न्यूट्रिय की लिमिटेशन हो सकती है ठीक है बाढ़ आ सकता है वहां पर सूखा पड़ सकता है वहां पर ठीक है ये लाइट की कमी हो सकती है ये हर फैक्टर पॉपुलेशन साइज को बढ़ने नहीं देता है ठीक है कैरिंग कैपेसिटी का भी लिख दिया है कि नेचर की कितनी लिमिट है जैसे फॉर एग्जांपल मूवी देखने जा रहे हो अगर हजार सीट है उस ऑडिटोरियम में तो हजार टिकट ही सेल होंगी वहां पर ठीक है उससे ज्यादा तुम नहीं कर सकते दैट मीन्स ऑडिटोरियम की कैरिंग कैपेसिटी ही उतनी होती है ठीक है मेला थोड़ी है ओके <laughs> नेक्स्ट okay. क्या करेंगे हम एनसीआरटी की रीडिंग लगा लेते हैं तो देखो क्या लिखा हुआ है अगर पॉपुलेशन साइज एन है ठीक है बर्थ रेट को हम ले लें पर कैपिटल आर रिप्रेजेंटेड एज बी और डेथ रेट को हम रिप्रेजेंट कर दे डी से ठीक है सबसे पहले एक्सपोनेंशियल हम रीड कर रहे हैं जो जो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा दैट मीन चेंज इन पॉपुलेशन होगा हम उसको कैसे लिखते हैं डी एन बाय डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इन टू एन बी माइनस डी को हमने आर ले लिया तो क्या आया DN by DT is to RN. ये आर क्या है फॉर द इंपैक्ट ऑफ एनी बायोटिक और ए बायोटिक फैक्टर ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ इसका कुछ आइडिया देने के लिए देखो मैग्निट्यूड आर का बताया हुआ है कि नॉर्वे में एक रैट का पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल निकाला गया उसमें जो रैट के आर की वैल्यू आई इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज वो .015 थी और जो बीटल की निकाली गई थी वो वन में बेटा ह्यूमन पॉपुलेशन की आर वैल्यू निकाली गई थी सर्वे करके सब कुछ हुआ एक्सपेरिमेंटली किया गया बेटा तो आपको वैल्यूज बस बता रहे हैं ये दैट वॉज पॉइंट जीरो टू जीरो फाइंड आउट वॉट द करेंट आर वैल्यू इज इसलिए आपको डाटा निकालना पड़ेगा डेटा ह्यूमन पॉपुलेशन का तो आप निकाल सकते हो यू नीड टू नो दर्थ रेट्स एंड डेथ रेट्स के क्या ट्रेंड चल रहा है बर्थ एंड डेथ रेट्स का उसके हिसाब से आपको सारा डेटा मिल जाएगा आप निकाल सकते हो ठीक है अब देखो ये क्या बता रहे हैं अब इक्वेशन डिस्क्राइब इसको एक्सपोनेंशियल बोल सकते हो ज्योमेट्रिक भी बोल सकते हो अगर आपको याद हो तो प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में भी आपने इक्वेशन पढ़ी हुई है ठीक है उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है अगर ऐसे पॉपुलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करोगे यू विल गेट अ जे शेप्ड कर्व ठीक है अगर आप फेमिलियर हो विथ बेसिक कैलकुलस कैलकुलस आप पढ़ते हो मैथ्स में और थोड़ा बहुत आई गेस फिजिक्स में भी पढ़ा होगा सुना होगा यू कैन डिराइव द इंटीग्रल फॉर्मूला एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन जो डीएन टू आर एन है उसको आप कैलकुलस के फॉर्म में ऐसे भी लिख सकते हो पॉपुलेशन एट टाइम जीरो इनिशियल और इसको पॉपुलेशन कह सकते हो आर क्या है इंट्रेंसिक रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज ई आप पढ़ते ही होगे बेटा बेस ऑफ नेचुरल ऑग्रिदम जिसकी वैल्यू भी लिखी रहती है ये ये आप कैलकुलेशन के लिए भी इस्तेमाल करते हो है ना तो ये आप इलेवेंथ में यही वाला पढ़ा है आपने ट्वेल्थ में डी एन बाई डीज आर एन बोल रहे हैं अब रिलेट कराने के लिए कैलकुलस के फॉर्म में ऐसा लिखा हुआ है अब देखो इंटीग्रल फॉर्मूला ये लिखा हुआ है अब देखो एनी स्पीशीज जो भी एक्सपोनेंशियली ग्रो कर रहा है इन अनलिमिटेड रिसोर्स कंडीशन वो अपनी पॉपुलेशन साइज को बहुत बड़ा कर लेगा विद इन अ शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम डार्विन ने बताया था कि हाउ इवन अ स्लो ग्रोइंग एनिमल लाइक एलिफेंट कुड रीच इनॉर्मस नंबर इन एब्सेंस ऑफ चेक्स, ठीक है कि इतना बड़ा जानवर एलिफेंट भी अगर उसको कोई चेक लगाने वाला नहीं है तो वो उसकी भी अनरिस्ट्रिक्टेड ग्रोथ हो सकती है उसकी भी बाटी पोटेंशियल आ सकती है और विद इन द शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम उसका भी पॉपुलेशन साइज बढ़ सकता है द फॉलोइंग इज एन एंड डोट पॉपुलरलीटेड टू डिमोन्स्ट्रेट ड्रामेटिकली हाउ फास्ट अ ह्यूज पॉपुलेशन कुल बिल्डअपलेशन इज ग्रोइंग एक्सपोनशियली उन्होंने एक चेस वाला एग्जाम्पल लिखा हुआ है वो आप रीड आउट रीड आउट कर सकते हो एज एन एनसीआर टी स्टोरी टाइप ठीक है तो ये था हमारा एक्सपोनेंशियल ग्रोथ की एनसीआरटी नेक्स्ट देखो है लॉजिस्टिक ग्रोथ कब कोई भी पॉपुलेशन किसी भी स्पीसीज का नेचर में

जो लड़ाई नहीं दे पाएगा वो एलिमिनेट हो जाएगा ठीक है इवेंचुअली जो फिटेस्ट इंडिविजुअल है वो सर्वाइव और वही रिप्रोड्यूस करेगा और उसके बच्चे जनरेशन में आगे बढ़ेंगे जो गवर्नमेंट ऑफ मेनी कंट्रीज हैं हैव ऑल्सो रियलाइज दिस फैक्ट एंड इंट्रोड्यूस वेरियस रिस्टेंस विथ अ व्यू टू लिमिट ह्यूमन पॉपुलेशन ग्रोथ अब देखो बेटा पॉपुलेशन साइज बढ़ता चला जा रहा था इवन ह्यूमन का भी जैसे चाइना वगैरह में आपको पता है चाइना इज द मोस्ट पॉपुलेटेड फॉलोड बाय इंडिया ओनली ठीक है तो चाइना वालों ने इस पॉपुलेशन साइज को रोकने के लिए ठीक है कुछ कॉन्सेप्ट निकाला कि इतने ही बच्चे होने चाहिए अगर इतने बच्चे होंगे तो हम पढ़ाई फ्री करेंगे एजुकेशन वुड बी फ्री अदरवाइज एक और बच्चा किया एजुकेशन खारिज हो जाए मतलब फ्री नहीं रहेगी तो ये कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगाए गए द्वारा गवर्नमेंट सो दैट वो रियलाइज करे अच्छा इतने करेंगे तो एटलीस्ट वी कैन गेट एजुकेशन फ्री ना बिकॉज एजुकेशन सस्ती तो रही नहीं बेटा मोस्ट ऑफ दी जगह तो ये कुछ पैरामीटर्स गवर्नमेंट को लेने पर जैसे इंडिया में भी हम दो हमारे दो वाला कॉन्सेप्ट है, है ना बट लोग कितना फॉलो करते हैं वो तो भगवान ही जाने आप सबको पता है बट यस तो गवर्नमेंट को आना पड़ा बिकॉज पॉपुलेशन साइज का एक लिमिट होना चाहिए एक हद से ज्यादा नहीं बढ़ा सकते ठीक है नेचर में ए गिवन हैबिटेड हैज इनफ रिसोर्स टू सपोर्ट मैक्सिमम पॉसिबल नंबर एक उसका थ्रेश है उसके बियॉन्ड वो सपोर्ट नहीं कर पाती ठीक है बियॉन्ड विच नो फर्दर ग्रोथ इज पॉसिबल तो पॉपुलेशन ग्रोइंग इन हैबिटेट विथ लिमिटेड रिसोर्सेज शो इनिशियली अ लैग फेज फॉलोड बाय द फेजेस ऑफ एक्सेलरेशन एंड डीसेलरेशन ये क्या बोल रहे हैं ये देखो जब आप सिग्मोइड या एस शेप पढ़ते हो ये वाला है ना ये देखो तो इस ग्राफ में बेटा तीन फेजेस आते हैं ये देखो तीन नहीं चार फेजेस सबसे शुरू में लैग फेज सबसे जब शुरुआती दौर पर धीरे धीरे पॉपुलेशन की साइज बढ़ रही है ना बेटा इसको लैग फेज कहते हैं फिर अचानक से जो शार्प इंक्रीज आ रहा है इसको एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं एक्सपोनेंशियल फेज कहते हैं या इसको लॉग फेज कहते हैं या इसको एक्सेलरेशन फेज कहते हैं है, तीन नाम है इसके एनसीआरटी ने एक लिखा है तीन नाम होते हैं जब ये कांस्टेंट की तरफ मूव करता है तो इसको डिसलरेशन फेज कहते हैं और जब ये कांस्टेंट हो जाता है बेटा इसको स्टेशनरी फेज या इसको ए सिमटोट कहते हैं क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा कि ए सिमटोट या स्टेशनरी फेज कब अचीव होता है स्टेशनरी फेज तभी आता है जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी तक पहुंच गई है जैसे एक कमरे में अगर 10 सॉरी 10 नहीं एक क्लासरूम में स्कूल में 50 कुर्सियां लगी हैं

एक्सेलरेशन वाला फेस phase then deceleration और फाइनली finally asymptote when the population density reaches the carrying capacity asymptote सिम्टोड बताया गया है कि जब पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी पहुंच जाए आप इसको बोल सकते n जब k हो एन जब के के बराबर हो जाए फिर इन्होंने इस इक्वेशन का देखो नाम होता है वर्ल्ड हॉर्स्ट पर्स लॉजिस्टिक ग्रोथ ये वाला इक्वेशन डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर एन के माइनस एन बाई के क्वेशन इज नोन एज वर्ल्ड होस्ट पोल लॉजिस्टिक ग्रोथ का जिन्होंने इसके बारे में बताया था एन पॉपुलेशन साइज होता है आर आपको पता ही है के आपको पता ही है टी आपको पता ही है ठीक है सो वी आर डन विथ दी पॉपुलेशन ग्रोथ मॉडल नेक्स्ट जो है इसके बाद दैट इज लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन ठीक है इसमें एनसीईआरटी क्या बताती है वो सुन लो अच्छा बहुत सारे बच्चे कहने लगते हैं कि मैम ये टॉपिक नहीं है जब मैंने विजेता में भी पढ़ाना शुरू किया था तो लाइव ले रही थी आई गेस हाँ मैराथन था बच्चे बोलने लगे थे बेटा आपको कितनी बार बताया जाए हम ठीक है वी फॉलो द सी बी एस ई पैटर्न बट दैट डजेंट मीन कि हम बाकी बोर्ड्स के बच्चों को इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि बाकी बोर्ड्स के बच्चे भी हैं बेटा तो उनका ध्यान में मद्देनज़र रखते हुए हम एनसीईआरटी का सारा कुछ पढ़ाते हैं इवन आपको जो रिलेटेड पोर्शन है वो भी आपसे प्रॉमिस किया गया है मैं दूंगी आपको पढ़ाऊंगी है ना तो प्लीज आप मत वो चीज किया करो बाकी बच्चों को बुरा लगता है उनको परेशानी होती है उनको लगता है कि उनके पोर्शन नहीं कवर किए जाएंगे तो फॉर देम वी आर डीलिंग विद एवरी टॉपिक्स एंड सब टॉपिक्स ऑफ दी एनसीआर ठीक है आप देख लो आपके बोर्ड्स में है आप जिस बोर्ड को बिलोंग करते हो अगर ये टॉपिक है तो करना नहीं टॉपिक है तो मत करना इट्स अप टू यू ठीक है आ जाओ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के लिए भी लोग बोलते हैं बच्चे लोग वो आप अपना प्लानर चेक करो बेटा सीबीएसई बोर्ड से सीबीएसई की साइट पे आपको प्लानर सिलेबस पता है आप यूपी बोर्ड से हो आप बिहार बोर्ड से हो उड़ीसा बोर्ड से हो महाराष्ट्र बोर्ड से हो प्लीज अपना बोर्ड्स का सिलेबस चेक करो और उस हिसाब से तैयारी करो ठीक है ओके नेक्स्ट है लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन देखो इसमें कहा गया है अकॉर्डिंग टू द डार्विन डार्विन जी कहते हैं बेटा हर एक पॉपुलेशन जो साइज है वो इसीलिए इवॉल्व करती है कि अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को वो मैक्सिमाइज कर सके ऑर्गेनिज्म का दो ही इंपॉर्टेंट काम है खाना और रिप्रोड्यूस करना तो वो इवॉल्व भी इसीलिए करती हैं कि वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज कर सके और अच्छा बना सके क्योंकि डार्विन जी ने इसके बारे में बताया था इस प्रकार की रिप्रोडक्टिव फिटनेस को डार्विन फिटनेस कहा गया अगर कोई ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्शन की फिटनेस को इंक्रीज कर रहा है तो रिप्रोडक्शन से करेगा क्या वो बच्चे ऑफस्प्रिंग्स मतलब अपनी पॉपुलेशन की साइज को बढ़ा रहा है और अभी हमने बोला था कि पॉपुलेशन साइज बढ़ना उसको क्या कहते हैं रेट ऑफ नेचुरल इंक्रीज लिखते कैसे हैं सिंबल आर से ठीक है तो आओ देखो एनसीआरटी क्या बोलती है कि जो पॉपुलेशन है बेटा वो इवॉल्व करती है अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए इस प्रकार की फिटनेस को हम क्या कहते हैं बेटा डार्विनियन फिटनेस कहते हैं क्योंकि रिप्रोडक्टिव फिटनेस बढ़ेगी तो आर की वैल्यू बढ़ेगी इसीलिए एनसीआरटी ने देखो क्या लिखा हुआ है हाई आर की वैल्यू इन दी हैबिटेट इन विच दे लिव अंडर अ पर्टिकुलर सेट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस प्रेशर्स ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व टूवर्ड्स द मोस्ट एफिशियंट रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी देखो बेटा नेचर में सिलेक्शन प्रोसेस चलती रहती है कुछ स्पीशीज को नेचुरली सिलेक्ट किया जाता है ड्यूरिंग दिस कॉम्पिटिशन जो फिट रहता है वो कर लिया जाता है सिलेक्ट ठीक है ये सिलेक्शन प्रोसेस अब ऑर्गेनिज्म को ऐसा लगता है कि नेचर सेलेक्ट करना शुरू करेगी तो ऑर्गेनिज्म इस चीज को देखते हुए सिलेक्शन के प्रेशर में आकर के वो अपनी रिप्रोडक्टिव फिटनेस को स्ट्रेटेजाइज करने वाले रास्ते पर चले जाते हैं ठीक है जिसमें से कुछ ऑर्गेनिज्म इस प्रेशर के अंदर कुछ ऑर्गेनिज्म ने अपने आप को अडप्ट ऐसा कर लिया है कि वो अपने पूरे लाइफ टाइम में एक ही बार रिप्रोड्यूस करेंगे कुछ ऑर्गेनिज्म अपने पूरे लाइफ टाइम में मल्टीपल बार रिप्रोड्यूस करते हैं तो अगर कोई एक बार रिप्रोड्यूस कर स्ट्रैटेजी है कोई ऑर्गेनिज्म मल्टीपल बार रिप्रोड्यूस कर रहा है वो एक उसकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है तो इस प्रकार से दो प्रकार के हमारे पास स्पीशीज आ जाते हैं एक जो बार बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं एक जो कम बार रिप्रोड्यूस कर रहे हैं ठीक है थीके? तो ये देखो लिखा हुआ है कुछ ऑर्गेनिजम्स ब्रीड ओनली वंस इन देयर लाइफ टाइम जैसे सैलमन फिश जब वो बच्चे दे कर के वापस आते हैं ना अपने अंडे देकर वो मर जाती है बेटा दैट एक एक बार किया, एक बार रिप्रोड्यूस किया बच्चा दिया और मर गई उसके बाद बैम्बू बैम्बू भी आपको पढ़ाया था ना मोनोकार्पिक देखा बोला था ना उस चैप्टर का नॉलेज वेस्ट नहीं जाएगा जो कहते थे ना वेस्ट हो रहा है मैम सिलेबस में ही नहीं है देख लो वही पढ़ाया था मैंने बैम्बू की बैंबू मोनोकार्पिक है पचास से सौ साल के लाइफ स्पैन में वो फ्लावर एक ही बार करता है रिप्रोड्यूस एक ही बार करता है इतना लंबा लाइफ स्पैन स्पैन बट फिर भी देखो रिप्रोडक्शन एक ही बार है तो ये इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है ठीक है और ये सब स्ट्रैटेजी फिटनेस को देखते हुए किया है उसके बाद देखो क्या है कुछ ऑर्गेनिजम्स मल्टीपल टाइम्स ब्रीड करते हैं जब तक जिंदा है बेटा बच्चे आ सकते हैं उनके ठीक है जैसे बर्ड्स जैसे मैमल्स ह्यूमंस भी तो हैं बहुत बार रिप्रोड्यूस कर सकते हैं ठीक है संग रिप्रोड्यूस और जब कोई रिप्रोड्यूस करता है तो उनके नंबर बहुत ज्यादा आते हैं बट बच्चों की साइज छोटी होती है जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया में एक ही बार में बहुत सारे बैक्टीरिया आ सकते हैं पर सबकी साइज छोटी छोटी होगी इंसानों में एक बार में एक ही बच्चा आता है नेचुरली ठीक है वो तुमने सात ग्यारह बहुत कम ही सुनोगे बट ये भी कम ही नंबर माने जाते हैं ठीक है थीके? डबलेट डब्बलेट आ गए ठीक है बट ये भी कमी है एज कम्पेयर टू बैक्टीरिया हमारे में जब हम ऑर्गेनिज्म करते हैं बेटा तो बच्चों की जनसंख्या कम आती है बट उनकी साइज बड़ी होती है तो ये भी किस पर डिपेंड करता है उनके रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी पर तो यहां पर देखो क्या लिखा हुआ है कुछ ऑर्गेनिजम्स लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल साइज ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं उन की साइज छोटी होगी नंबर में ज्यादा होंगे जैसे ऑयस्टर्स ठीक है मोती बनाने वाले प्राणी पढ़ा होगा तुमने कुछ प्लेजिक फिशेज होती हैं कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटा ऑफस्प्रिंग बड़े साइज का प्रोड्यूस करते हैं बट नंबर ऑफ स्प्रिंग के कम होते हैं जैसे हम मैमल्स, बर्ड्स सो विच इज डिजायरेबल फॉर मैक्सिमाइजिंग फिटनेस ठीक है इकोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेड है ऑर्गेनिज्म का ये इवॉल्व हुआ है इन रिलेशन टू देंस इंपोज बाय ए बायोटिक एंड बायोटिक कॉम्पोनेट ऑफ द हैबिटेट इन विच दे लिव इवोल्यूशन जो लाइफ हिस्ट्री ट्रेड्स का हुआ है डिफरेंट स्पीशीज इज करेंटली इंपॉर्टेंट एरिया ऑफ रिसर्च मतलब कहने के भी रिसर्च चल रही है ये कह रहे बेटा जो भी ऑर्गेनिज्म चाहे एक बार रिपोड्यूस करो मल्टीपल टाइम कर रहा हो एक बार रिप्रोड्यूस करके ज्यादा नंबर ऑफ बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है जिनकी साइज छोटी है या एक बार रिप्रोड्यूस करके कम नंबर ऑफ बच्चे प्रोड्यूस कर रहा है जिनकी साइज बड़ी है ये सब कुछ किससे इंफ्लुएंसड है जिस भी हैबिटेट में रह रहे हैं वहां का एबायोटिक फैक्टर्स कैसा है बायोटिक कॉम्पोनेंट कैसे है ये सारे घुमा फिरा करके एक ऑर्गेनिज्म को सिलेक्शन प्रेशर के अंदर इवॉल्व कराते हैं कि वो अपनी मैक्सिमम रिप्रोडक्टिव फिटनेस को मैक्सिमाइज करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं ठीक है थीके? तो इस पूरे कहानी का दो मेन कंक्लूजन आता है कि हमारे पास दो प्रकार के स्पीशीज हैं एक स्पीशीज हैं आर सेलेक्टेड स्पीशीज एक होते हैं बेटा के सेलेक्टेड स्पीशीज ये वो स्पीशीज होते हैं बेटा जो खा खा करके रिप्रोडक्टिव फिटनेस को इतना इंक्रीज कर लेते हैं कि उनकी इंट्रेंसिक रेट पॉपुलेशन साइज बढ़ती ही चली जाती है यहां पर इनको कैरिंग कैपेसिज कोई मतलब नहीं बढ़ाते ही चले जाते हैं खाते हैं, बढ़ाते चले जाते हैं तो ये सब इनकी रिप्रोडक्टिव स्ट्रैटेजी है एक प्रकार के ऑर्गेनिज्म ऐसा होते हैं बेटा कि वो ध्यान रखते हैं कि पॉपुलेशन साइज कैरिंग कैपेसिटी से ज्यादा ना चली जाए तो ऐसे स्पीशीज को क्या कहते हैं बेटा के सिलेक्टेड स्पीशीज जो खा खा करके नंबर बढ़ा दे जाए वो तो आर जो के के अराउंड पॉपुलेशन रखे वो के सिलेक्टेड स्पीशीज तो कौन से स्पीशीज के सिलेक्टेड होते हैं और कौन से स्पीशीज आर सिलेक्टेड आर सिलेक्टेड स्पीशीज के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और इन वाले स्पीशीज का जो ये वाला सिलेक्शन शो करते हैं उनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं तो चलो आप पढ़ लेते हैं आर सिलेक्टेड स्पीशीज जो होते हैं ना बेटा अगर वो अपना पॉपुलेशन साइज बढ़ा रहे हैं दैट मीन उनकी रिप्रोडक्शन की पावर बहुत ज्यादा होगी है ना उसी को हम क्या कहते हैं बेटा हाई फिकंडिटी फिकंडिटी का मतलब क्या होता है इट मींस रिप्रोडक्टिव रेट क्या मतलब होता है बेटा रिप्रोडक्टिव रेट अगर किसी ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन बड़ा ही अच्छा है तगड़ा है तो हम उसको बोलते हैं हाई फिकंडिटी तो ऐसे स्पीशीज का रिप्रोडक्शन वाला रेट बहुत ज्यादा है तभी तो नंबर बढ़ता चला जा रहा है तभी तो ऐसे स्पीशीज को आर सिलेक्टेड स्पीशीज कहा गया है ठीक है और इनकी ये वाले जो स्पीशीज होते हैं ना जो आर सिलेक्शन शो करते हैं उनकी साइज छोटी हुई जैसे बैक्टीरिया बैक्टीरिया एक ही बार में बहुत सारा रिप्रोडक्शन कर सकता है मतलब रिप्रोडक्शन करके बहुत सारे बच्चे प्रोड्यूस कर सकता है ठीक है मेचोरिटी बहुत जल्दी आ जाती है शॉर्ट जनरेशन टाइम बहुत ज्यादा टाइम ही लगता है डिलीवरी करने में ऑफ के नंबर ज्यादा आते हैं और जो बच्चे आते हैं उनकी साइज छोटी होती है फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया तो जितने भी छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं, जिनकी साइज छोटी होती है जिनका रिप्रोडक्शन रेट ज्यादा होता है वो आपको आर सिलेक्टेड स्पीशीज में मिलेंगे जो ऑर्गेनिजम्स के सिलेक्टेड स्पीशीज शो करते हैं उनका पॉपुलेशन कॉन्स्टेंट होता है या आप कह सकते हो इट विल बी नियर टू दी कैपेसिटी ठीक है इनकी जो रिप्रोडक्शन रेट होगी वो कम होती है तभी तो पॉपुलेशन साइज बढ़ती ही नहीं इतनी हमेशा कैरिंग कैपेसिटी के अराउंड होती है बॉडी साइज बहुत ज्यादा होगी जैसे हमारी एलिफेंट्स की वेल्स की बच्चे जब आते हैं बेटा जनसंख्या कम होगा बट उन बच्चों की साइज ज्यादा होती है फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन यू कैन राइट मैमल्स यू कैन राइट एलिफेंट्स जो भी मर्जी लिखना चाहो ठीक है तो ये दो टॉपिक आया था लाइफ हिस्ट्री वेरिएशन से ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बेटा अब जब हम कह रहे हैं पॉपुलेशन में आप नजर घुमाओ आपको अपने तरफ घास भी दिखाई दे रहा है गाय भी दिखाई दे रही बकरी भी दिखाई दे, 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 दे रहा है कुत्ता भी दिखाई दे रहा है भी दिखाई दे रहा है हम भी दिखाई दे रहे हैं तो जब एक से ज्यादा स्पीशीज रहती भी है किसी भी हैबिटेट में तो वो क्या करती है बेटा आपस में इंटरेक्ट करती है अब गाय चल रही है ना घास को तो वो भी एक प्रकार का इंटरेक्शन है ठीक है अब टाइगर है वो डियर को खा रहा है वो भी एक प्रकार का इंटरेक्शन है जो हमारे सर पे जुए हैं ना सर के ऊपर रह रही हैं खून जूस रही है वो भी एक प्रकार का इंटरेक्शन है ठीक है तो अब हम पढ़ने वाले हैं पॉपुलेशन इंटरेक्शन ठीक है ओके आ देखो एन पढ़ते हैं तो थोड़ा बिल्ड होता है कि इसमें पढ़ने क्या वाले हैं ठीक है तो और रीड लगाते हैं कैन यू थिंक ऑफ कैन यू थिंक ऑफ एनी नेचुरल हैबिटेट ऑन दिस अर्थ जो इनहैबिटेट है जस्ट बाई वन स्पीशीज आपको कोई पता है ऐसा कोई भी ऐसी जगह जहां पर एक ही प्रकार का स्पीशीज रहता हो तो शायद आपका आंसर होगा नहीं नहीं ऐसा तो कोई नहीं है डेफिनेटली ठीक है देखो लिखा हुआ है देर इज नो सच हैबिटेट और सच अचुएशन इज इवन अनकंसिबल कंसिवेबल ठीक है ना तो ऐसा हैबिटेट एग्जिस्ट करता है ना तो कोई ऐसी सिचुएशन तो इमेजिन कर सकते हो ना किसी को कन्वेंस कर सकते हो एनी स्पेशीज जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है इज मोर देन वन स्पीशीज जिसपे वो खा सके बेटा एक ही स्पेशीज खाएगा किसको अब टाइगर ही टाइगर है तो टाइगर टाइगर को थोड़ी खाएगा टाइगर किसी और चीज को खाएगा ना तो एक ऑर्गेनिज्म का एक ही तो रिक्वायरमेंट है किसी भी जगह रहने का कि उसको कोई और प्राणी तो दो खाने के लिए ठीक है इट नीथ सॉइल माइक्रोब्स टू ब्रेक डाउन दी ऑर्गेनिक मैटर इन दॉयल अब जो मर जाएंगे बेटा उनको तोड़ने के लिए भी तो कोई कॉम्फोनेंस चाहिए डीकम्पोज चाहिए सॉइल में फिर उसके अंदर का जो इनऑर्गेनिक न्यूट्रियट है उसको डिकम्पोज करके वापस से सॉइल में भी तो लाना है तो देखो लिखा हुआ है एंड रिटर्न द इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट फॉर एब्जॉर्बन एंड देन हाउ विल द प्लांट मैनेज पॉलिनेशन प्लांट को पॉलिनेशन चाहिए बिना पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बिना कीड़े मकौड़ों के कैसे कर पाएगा ठीक है इट इज ऑब्वियस कि नेचर में एनिमल्स भी है प्लांट्स भी है माइक्रोस भी है डू नॉट एंड कैन नॉट लिव इन आइसोलेशन बट in इन वेरियस वेज आप इमेजिन ही नहीं कर सकते तो नेचर में हर प्रकार के प्राणी है और आपस में इंटरैक्ट करते हैं बहुत डिफरेंट तरीके से अपनी सर्वाइवल के लिए ठीक है इवन इन मिनिमल कम्युनिटीज में इंटरक्टिव लिंकेजेस एग्जिस्ट ऑल दो ऑल मे नॉट बी रेडिली एपरेंट इतने प्रोमिनेंट नहीं होंगे बट कम जगहों पर भी जहां कम स्पीशीज वहां पर भी आपको इंटरेक्शन देखने को मिलता है अब जैसे स्नो कवर एरिया में चले जाओ तो ऐसा थोड़ी कि वहां पर एक ही प्रकार का स्पीशीज होगा वहां ठीक है वहां पर रहते कम लोग हैं बिकॉज कंडीशन बहुत एक्सट्रीम है बट वहां पर भी मिनिमल इंटरक्शन आपको देखने को मिलेगा ठीक है इंटर स्पेसिफिक इंटरक्शन अराइज फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ पॉपुलेशन ऑफ टू डिफरेंट स्पीशीज जब दो डिफरेंट स्पीशीज का इंटरेक्शन हो एक प्लांट है एक फंजाई है वो इंटर स्पेसिफिक इंटरेक्शन है ठीक है दे कुड बी बेनिफिशियल डेट्रीमेंटल और न्यूट्रल अब मैं आपको इसको एक्सप्लेन करती हूं आ जाओ ये देखो ये कुछ इंटरैक्शन है बेटा जो आपको पढ़ने हैं विच इज देर इन प्रोटो कोऑपरेशन एक आपको एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा होगा रेस्ट एवरीथिंग इज देयर इन दी अ सेकंड ओके तो देखो सबसे पहला है म्यूचुअलिज्म जब हम इंटरेक्शन की बात करते हैं ना बेटा तो हम दो स्पीशीज के इंटरेक्शन की आपस में बात करते हैं अब हो सकता है दोनों स्पीशीज को फायदा मिल रहा हो जैसे आप पढ़ो पढ़ा पढ़ा है है माइकोराइजा उसमें दोनों को बेटा फायदा मिलता है इन नेचर ऑल्सो इस प्रकार का रिलेशन एग्जिस्ट करता है तो जब दो स्पीशीज आपस में इंटरैक्ट करते हैं और दोनों को एक दूसरे से फायदा मिले ऐसे स्पीशीज को

नहीं बट तुम लोग अभी स्कूल में होते हो बट जीने मरने की कस्मत तुमने भी खा रखी होती है है ना कि ये नहीं होगा तो ये नहीं हो जाएगा आप तुम लोग समझ रहे हो मैं क्या कह रही हूँ कमेंट में करके बताना डैश एंड डैश के बारे में बात कर रहे हैं ठीक है ओके लाइव होता तो शायद नाम भी ले, ले लेते बट दिस इज रिकॉर्डेड तो क्या फायदा यस यहाँ पर जो दो स्पीशीज पार्टिसिपेट करते हैं वो आपस में ही रहेंगे अगर एक मर जाएगा ना बेटा दूसरा ऑटोमेटिकली मर जाएगा प्रोटो कोऑपरेशन में ऐसा नहीं है

एक स्पीशीज को फायदा मिलता है दूसरे को कुछ नहीं मिलता एग्जाम्पल्स पढ़ोगे आप ठीक है दूसरे को कुछ नहीं मिलता है दूसरे को मिलता है बेटा बाबा जी काम्पिटिशन जहां होती है बेटा कुछ स्पीशीज इसके मर सकते हैं कुछ स्पीशीज इसके मर सकते हैं दोनों के लिए नेगेटिव नेगेटिव ठीक है एक होता है प्रिडेशन एक दूसरे को खाना अब टाइगर डियर को खा रहा है बेटा तो डियर तो मर गया डियर का तो काम ही तमाम हो गया ना तो डियर के रिस्पेक्ट में ये क्या हो गया नेगेटिव टाइगर की तो पेट में के जो भूख थी वो शांत हुई तो उसके लिए फायदेमंद है प्रिडेशन पैरासिटिज्म जो है हमारे सर के ऊपर बैठ करके हमारा खून चूस रही है ठीक है उनको तो मिल रहा है खाना हमारा तो खून जा रहा है ना बेटा तो हमारे लिए नेगेटिव उनको तो बेटा खाना मिल रहा है पॉजिटिव एमेंसलिज्म एक स्पीशीज का घाटा दूसरे को कुछ नहीं वो गाना है ना इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता वो एमेंसलिज्म है ठीक है तो इस तरीके से मेक इट फनी एंड यू विल बी एबल टू लर्न इट इजली ठीक है तो दैट इज मेन मोटो यहां कोई गाना नहीं सुना रही मैं बट येस yes. तो यही कुछ इंटरैक्शन हमें डिस्कस कर रहे हैं प्रोटोकॉपरेशन बस यही समझाया है ठीक है बस इतना लिख देती हूं दिस इज नॉट ऑब्लिगेट क्योंकि एनसीआरटी में इतना है नहीं इसका ठीक है वन स्पीशीज वन स्पीशीज कैन लिव इन एब्सेंस ऑफ अदर न लिव इन एबसेंस ऑफ अदर जो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे बेटा वो ये सारे डिस्कस करेंगे सारे आज डिस्कस नहीं कर पाएंगे बिकॉज इट टेक्स टाइम तो कुछ एक दो कमेंसलिज्मी विल स्टडी इन दिस क्लास रेस्ट वी विल डिस्कस इन दी नेक्स्ट क्लास अब आप देख सकते हो जहां जहां पर भी स्पीशीज को फायदा हो रहा है इस प्रकार के इंटरेक्शन को हम बेनिफिशियल कह रहे हैं फायदेमंद इंटरेक्शन है भैया ये तो बहुत फायदा हो गया इसी के साथ रहना चाहिए बहुत सारे लोग टॉपर्स के साथ दोस्ती कर लेते हैं उनके नोट्स ले लेते हैं कोई बात नहीं आज मैं एपसेंट कर लेता मेरा वो टॉपर वाला दोस्त तो गया ही है तो वो भी बेटा फायदेमंद वाला दो, वो है प्रोटो वो म्यूचुअलिज्म नहीं है बट ठीक है तुम्हारा फायदा तो निकला ना तो ये वो एक प्रकार की बेनिफिशियल इंटरेक्शन हो गई जहां पर घाटा हो रहा है नुकसान हो रहा है ठीक है उसको हम क्या जिसका फायदा उठाया जा रहा है टॉपर वाले दोस्त सतर्क हो जाओ ठीक है तुम्हारे लिए तुम्हारा फायदा उठाया जा रहा है यू आर बींग एक्सप्लॉयटेड ठीक है तो वो एक प्रकार का डेट्रीमेंटल इंटरेक्शन हुआ तो इसको कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है ठीक है दैट इज न्यूट्रल इंटरेक्शन वो कैसा इंटरेक्शन है बेटा दैट इज अ न्यूट्रल इंटरेक्शन ओके नेक्स्ट हम क्या करेंगे पढ़ेंगे नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं Uh, सबसे पहला इंटरेक्शन जो डिस्कस करने वाले हैं हम बेटा दैट इज म्यूचुअलिज्म क्या है वो म्यूचुअलिज्म ओके सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन जो कि हमारा म्यूचुअलिज्म जिसके बारे में आप ऑलरेडी कुछ एग्जाम्पल क्लास इलेवन में पढ़ चुके हो आ जाओ तो म्यूचुअलिज्म जैसा मैंने आपको बताया बेटा जो भी दो इंटरेक्टिंग स्पीशीज होते हैं दोनों को फायदा मिलता है तो वही पहला पॉइंट लिखा हुआ है ये जो रिश्ता क्या कहलाता है बेटा इसमें जो भी ये रिलेशनशिप है दैट इज अब्लिगेट रिलेशनशिप ये ऑब्लिगेट रिश्ता है दैट मीनस ये अलग अलग सेपरेटली नहीं रह सकते अगर सेपरेट हो जाएंगे तो मर जाएंगे काम हो जाएगा समाप्त खल्लास ठीक है खत्म नेक्स्ट पहला एग्जाम्पल हम जो पढ़ने वाले हैं वो प्लांट और फंगस का म्यूचुअलिज्म रिलेशन है जिसको हम कहते हैं लाइकंस लाइकंस क्या होता है बेटा इट्स अ म्यूचुअल एसोसिएशन ये पढ़ा है आपने क्लास इलेवेंथ में इट्स अ म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ प्लांट एंड फंजाई तो हम कह रहे हैं कि दोनों स्पीशीज जो पार्टिसिपेट करते हैं बेटा दोनों को फायदा मिलता है तो क्या बेनिफिट फंजाई प्रोवाइड करता है फंजाई प्रोवाइड्स फंजाई प्रोवाइड्स शेल्टर टू एलगी क्योंकि होता क्या है बेटा कि जब जैसे मान लो आपने कोई बिल्डिंग बनाई है उस बिल्डिंग का 90 प्रतिशत जो इन्वेस्टमेंट हुआ है जो स्ट्रक्चर बना है जिसका उसमें आपके पैसे लगे हैं तो आप मेजर पार्टनर हो 10 परसेंट लगाने वाला वो माइनर पार्टनर है है ना सिमिलरली लाइकेन like में जब बॉडी बनती है तो पंचानवे प्रतिशत कॉन्ट्रीब्यूशन किसका है हमारा फंजाई का है तो डोमिनेंट कौन हुआ घर किसका हुआ ज्यादा मेजर स्टेक होल्डर कौन है फंजाई है आप एलगी उसमें रह रहा है तो इनके बदौलत ही रह पा रहा है ये उसको रहने दे रहे हैं तो फंजाई प्रोवाइड शेल्टर टू दी एलगी अगर 95 फाइव परसेंट स्टेक होल्डर लाइक इनका यही है बेटा इसी ने घर बनाया है पूरा का पूरा तो पूरा बना लेता इसको इसकी जरूरत क्यों लगी एक्चुअली फंजाइ होते हैं बेटा हेट्रोड्रॉप वो अपना खाना बना ही नहीं सकते तो खाना बनाने के लिए खाना बनाने के लिए किस पे डिपेंडेंट होते हैं एलगी पर ठीक है तो एलगी क्या प्रोवाइड करता है उनको एलगी प्रोवाइड्स फूड ठीक है तो आप देख सकते हो बेटा बना बना के खाना उसको देता रहेगा वो इसको रहने के लिए जगह देगा दोनों को फायदा ठीक है एक भी मर गया पूरी की पूरी बॉडी क्रैश कर जाएगी लाइकेंड खत्म हो जाएगा ठीक है नेक्स्ट आप देख सकते हो बेटा माइकोराइजा माइकोराइजा भी पड़ा होगा ये क्या होता है बेटा इट्स अ म्यूचुअल एसोसिएशन बायोलॉजी क्लासिफिकेशन में हम पढ़ाते हैं बेटा इट्स अ म्यूचुअल एसोसिएशन किसका म्यूचुअल एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल ऑफ रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स हायर प्लांट्स एंड फंजाई जैसे बेटा एक पाइनस का पेड़ होता है आपने देखा होगा पहाड़ों पे जब जाते हो ना ऐसी पतली पतली ऐसे लीव्स होती है मान लो ये पाइनस है फॉर एग्जाम्पल आई एम टेलिंग यू ठीक है अब पाइनस का जो रूट होता है ना बेटा ये पाइनस का रूट है फॉर एग्जाम्पल ठीक है ये प्लांट है ये प्लांट का रूट है अब ये जो प्लांट है ना बेटा इससे कौनस लटकते हैं गिरे हुए मिलते होंगे बेटा आपको जब पहाड़ों पे जाते हो घूमने तो इनके रूट्स में बेटा फंगस रहता है तो जब फन किसी हायर प्लांट के रूट में दिखाई दे इस प्रकार के रिश्ते को बेटा माइकोराइजल एसोसिएशन कहते हैं दैट मीन यहां पर जो रूट्स है प्लांट का और फंजाई है वो आपस में एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड कर रहे होंगे क्या बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं रूट जो है दे प्रोवाइड शेल्टर टू फंजाई रहने के लिए घर दे रहा है और इन रिटर्न फंजाई क्या प्रोवाइड कर रहा है बेटा फंजाई के साथ ना हर कोई रहना पसंद करता है जैसे टॉपर के साथ ना क्यों उससे आपको उसके अच्छे अच्छे नोट्स मिलेंगे है ना उससे मदद ले सकते हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए सिमिलरली फंजाई का ना बहुत अच्छा एब्जॉर्प्टिव मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है तो प्लांट्स को जो भी एब्जॉर्ब करना है मैंने आपको पहले भी पढ़ाया है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में है ना माइक्रोराइजलिस अच्छा आप तो माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में पढ़े हो यस तो जो फॉस्फोरस वगैरह सॉइल में है वो फंजाई एब्जॉर्ब करके प्लांट को प्रोवाइड करता है तो फंजाई प्रोवाइड्स एब्जॉर्ब तो देखो दोनों को फायदा मिल रहा है इसीलिए ऐसे रिश्ते को हम क्या कहते हैं बेटा म्यूचुअल एसोसिएशन म्यूचुअल वाला म्यूचुअलिज्म ये तो हमने प्लांट का एग्जाम्पल लिया है ठीक है प्लांट और फंगस का नेक्स्ट जो हम पढ़ेंगे बेटा वो प्लांट और एनिमल का पढ़ेंगे तो सबसे पहला जो हम पढ़ने वाले हैं दैट इज फिग एंड वास्प ये भी मैंने आपको पढ़ाया है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या होता है एक प्रकार का कीड़ा होता है इंसेक्ट होता है ठीक है और फिग क्या है एक फ्लावर है पेड़ अंजीर नाम सुना होगा ना सब ने ठीक है तो फिग इज अ फ्लावर आप फ्लावर को इस कीड़े की जरूरत क्यों पड़ी क्योंकि ये एक है पॉलिनेटिंग एजेंट आपको पढ़ाया है ना बेटा पॉलीनेटिंग एजेंट्स भी फिक्स्ड होते हैं डिपेंड करता है फ्लावर कौन सा है चंदन के पेड़ पर साफ इज द पॉलीनेटिंग एजेंट है ना जो बदबूदार चीजें होती है उसमें फ्लाइज इज दॉलीनेटिंग एजेंट तो वास पॉलीनेटिंग एजेंट है इस वाले फ्लावर का ऑफ फिग दैट दीन्स ये क्या प्रोवाइड करता है इट प्रोवाइड्स पॉलिनेशन टू फिग पॉलिनेशन टू फिग इन रिटर्न ये क्या प्रोवाइड करता है बेटा इट प्रोवाइड खाने के लिए नेक्टर वेक्टर तो मिलता ही है बेटा बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो देता है सेफ प्लेस फॉर सेफ प्लेस फॉर एग्स अपने अंडे रखने के लिए इनको जगह मिल जाती है एक्चुअली बेटा फिग के पास ना बहुत अलग सा इन्फ्लोरोसेंस होता है इलेवेंथ क्लास में पढ़ा है ना इन्फ्लोरोसेंस इनफ्लोरोसेंस मतलब क्या होता है बेटा अरेंजमेंट ऑफ फ्लावर्स तो एनसीईआरटी आपको याद करो एक रेसीमोज ही पढ़ाती थी और एक साइमोस पढ़ाती थी ये दो मेजर होते हैं ये एक बहुत अलग स्पेशल टाइप का इनफ्लोरोसेंस होता है जो फिग के फ्लावर्स में दिखाई देता है उसमें इस प्रकार से एक ओपनिंग होती है ठीक है इस ओपनिंग को जो इस इनफ्लोरोसेंस में दिखाई देती है बेटा इस ओपनिंग को हम ऑस्टियोल बोलते हैं ठीक है अब इनफ्लोरोसेंस ग्रुप है फ्लावर्स का दैट मीन इसमें एक नहीं बहुत सारे फ्लावर्स ऐसे ऐसे लगे होते हैं ये सारे क्या है बेटा फ्लावर्स हैं मैं फ्लावर्स बना नहीं रही सिर्फ ऐसे दिखा रही हूं पोता क्या है ये जो इंसेक्ट है वास्प ये वास्प जो है बेटा इस इंसेक्ट का भी नाम होता है इसका नाम होता है ब्लास्टोफैगस इंपॉर्टेंट नहीं है एनसीआरटी में नहीं है तो ये वास्प इसी छेद के थ्रू बेटा इसी ओपनिंग के थ्रू अंदर घुस जाता है इन्फ्लोरोसेंस के ठीक है और सबसे अंदर जाकर के ये अपने अंडों को लेकर के ऊपर जाने लगता है जब जब वापस जाने लगता है है बेटा या आप कह लो ये अंदर आता है, तो ये फ्लावर के थ्रू होता हुआ जाएगा और जाएगा भी तो फ्लावर के थ्रू होता हुआ तो इस दौरान ये अपने शरीर पर बेटा बहुत सारे पॉलिन लगा लेता है अब जब यही कीड़ा वास्त दूसरे फ्लावर पर जाकर के बैठेगा तो कुछ तो डस्ट भी कर देगा ना इस दौरान ये क्या ब्रिंग आउट कर रहा है ये पॉलिनेशन कर रहा है तो इसको ये प्लांट को क्या प्रोवाइड कर रहा है पॉलिनेशन और ये प्लांट इसको क्या प्रोवाइड कर रहा है अपने अंडे रखने के लिए जगह ठीक है मैं आपको एक दिखाती हूं ये फिगर देखो ये है बेटा ऑस्टिओल ये ओपनिंग दिखा रही ना ये फिग है दिस इज द इन ये देखो अंदर कितने सारे आपको दिखाई दे रहे हैं सारे के सारे फ्लावर्स हैं ठीक है इसको काट दोगे तो आपको ऐसा स्ट्रक्चर्स दिखाई देगा है ना तो आप देख सकते हो ये कीड़े काले काले ये काले काले क्या है कीड़े हैं बेटा ठीक है ये देखो ये काले काले क्या हैं ये कीड़े हैं तो ये फिग फ्लावर है ये वास्त दिखाते हैं कि किस तरीके से अपने अंडे को ले कर रहा है फिग प्लांट के ऊपर ठीक है तो ये भी फिग और वास का रिश्ता ये सारे फिग के और वास के रिश्ते दिखा रहे हैं ठीक है तो आप देख सकते हो इसलिए मैंने एनसीईआरटी में डायग्राम शो किया है उसके बाद नेक्स्ट जो आप देखने वाले हो वो देखने वाले हो आप ऑर्किड्स एंड बीज का ठीक है अब बी क्या है बेटा ये भी एक पॉलिनेटिंग एजेंट होती है बहुत इंपॉर्टेंट पॉलिनेटिंग एजेंट होती है दैट मीन्स ये ऑर्किड का क्या करती होगी बेटा पॉलिनेशन इट प्रोवाइड्स पॉलिनेशन टू ऑर्किड पॉलिनेशन टू ऑर्किड ठीक है और ये क्या देते होंगे इट प्रोवाइड नेक्टर और पॉलिन उसको खाने के लिए देते हैं तो देखो दोनों ही दूसरे को फायदा कर रहे हैं तभी इस रिश्ते को म्यूचुअलिज्म कह रहे हैं बट आपको बताओ कुछ जो ऑर्किड की स्पीशीज होती है सम ऑर्किड स्पीशीज आर वेरी स्मार्ट फॉर एग्जाम्पल ओ बेटा ये ओफायरस एक प्रकार की ऑर्किड की स्पेशीज होती है, ये एक की है, जो जो के मिलती है। और ये इतनी चलाक है ना ये अपने एक पेटल को ऐसा कन्वर्ट कर लेती है कि देखने में वो फीमेल बी की तरह लगता है अब जो मेल भी है बेटा आपको पता है मेल तो बड़े इजली अट्रैक्ट हो जाते हैं फीमेल से मेल भी अट्रैक्ट हो जाता है इस फीमेल बी से उसको लगता है फीमेल भी बट आप खुद सोचो क्या वो फीमेल थी नहीं वो तो फ्लावर ही था फ्लावर का हिस्सा था वो आता है कॉप्यट करने के लिए इस फीमेल से उसको लगता है फीमेल तो चलो रिप्रोडक्शन कर लेंगे कॉप्यूलेट कर लेंगे बट उसको कुछ नहीं मिलता ठीक है इसको मिलता है रिप्रोडक्शन ठीक है तो इस प्रकार के चलो मैं आपको एनसीईआरटी पढ़ाती हूँ उसके बाद तुम खुद देखना क्या लिखा हुआ है ऑर्किड्स शो अ अल्डरिंग डाइवर्सिटी मतलब सरप्राइजिंग बहुत अमेजिंग डाइवर्सिटी फ्लोरल पैटर्न्स मेनी ऑफ विच द राइट पोलिनेटर और इंसेक्ट ऐसा ऑर्किड्स में देखा गया है और ये जो डाइवर्सिटी इनमें दिखाई देती है ये सिर्फ अपने इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए दिखाई देती है ठीक है ये आपको दिखाई देता है बीज और बंबल बीज को अट्रैक्ट करती हैं इस प्रकार की ऑर्किड की स्पीशीज और गारंटीड पॉलिनेशन लेती है ऐसा नहीं कि कन्वर्ट कर लिया फीमेल की तरह बट कोई बीज ही नहीं आ रहे मेल बीन या नहीं, नहीं। गारंटीड पॉलिनेशन होगा नॉट ऑल ऑर्किड्स अफोर्ड ऑफर रिवॉर्ड्स जैसे देखो ये ये वाले जो ऑर्किड्स हैं ये अच्छे वाले हैं ये रिटर्न गिफ्ट देते हैं ये वाली रिटर्न गिफ्ट देने में बिलीव नहीं रखती गिफ्ट लेने में बिलीव रखती आ गए भैया तुम्हारा फायदा उठाएंगे तुम्हें बदले में कुछ नहीं मिलने वाला ठीक है वो हाल है तो देखो क्या लिखा हुआ है जो मेडिटरेनियन ऑर्किड होती है बेटा जिसका नाम वो फायरस होता है ये इंप्लॉय मतलब ये शो करती है सेक्सुअल डिसीट डिसीट का मतलब धोखा धोखा मिलता है बेटा मेल हनी भी को वो सोच के आता है फीमेल है बट उसका उसको कुछ नहीं मिलता इन रिटर्न उसके साथ होता है धोखा धोखा धड़ी वाला केस है ये इसलिए डिसीट ठीक है किसमें धोखा मिल रहा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए इसको बोलते हैं सेक्सुअल डिसीट प्यार में धोखा ठीक है येस To get pollination done by बाई species of bee, एक petal को convert कर लेती है बेटा uncanny मतलब बिल्कुल amazing, unnatural, अपने एक petal को ये बना लेती है female bee की तरह बिल्कुल color में भी markings में भी बिल्कुल ऐसा लगता है female bee है मेल bee अट्रैक्ट हो जाता है क्योंकि उसको लगता है कि वो फीमेल है और वो चाहता है copulate करना बट वो तो फ्लावर था वो तो फीमेल थी नहीं तो कॉपुलेशन हुई नहीं इसलिए इसको सीडो कहते हैं सीडो मतलब फॉल्स कॉपुलेशन ठीक है विद द फ्लावर और इस प्रोसेस के दौरान जब वो सोच रहा होता कि वो कॉप्युलेट कर रहा है बट वो फीमेल तो है नहीं वो तो फ्लावर ही है कॉपुलेशन तो हुई नहीं वो तो सीडो कॉप्युलेशन हुई इस दौरान वो अपने शरीर पर लगा लेगा पॉलर और जब यही जाएगा दूसरे फ्लावर के पास तो करा देगा पॉलिनेशन तो इस प्रोसेस के दौरान इसके ऊपर पोलिन चिपक जाते हैं और जब सेम बी सीडो कॉपिलेट करता है सुधरा नहीं है अभी तक इसको पता नहीं चला है अब ये दूसरे और वायरस के पास जाता है वहां भी कॉपिलेट करने की कोशिश करता है और जब वो दूसरे के पास जाता है बेटा उस पहले वाले फ्लावर का पॉलिन दूसरे पे गिरा देता है तो इस प्रकार से बेटा ट्रांसफर हो जाती है पॉलिन की और फ्लावर हो जाता है पॉलिनेट इन रेडन उसको कुछ भी नहीं मिल रहा है ठीक है तो ये असली वाला कॉपुलेशन नहीं ये फॉल्सिस सीडो कॉपुलेशन इसको हम क्या कहते हैं बेटा इसको हम कहते हैं सेक्सुअल डिसीट का एग्जाम्पल उसके बाद देखो क्या लिखा हुआ है बट हेयर यू कैन सी हाउ को इवोल्यूशन ऑपरेट्स अगर फीमेल बी कलर पैटर्न चेंज कर लेती है स्लाइटली ड्यूरिंग एवोल्यूशन तो पॉलिनेशन सक्सेस विल बी रिड्यूस्ड अगर मान लो बेटा कि हनी बी का कलर पैटर्न चेंज हो गया है हनी बी की मार्किंग चेंज हो गई है कोई भी बीज ले लो अगर फ्लावर अपने जब कन्वर्ट कर रही होती अपने आप को बी में एक पेटल को अगर वो मैचिंग ना शो करे वो पुराना ही जमाने का बी का कलर बनाए जा रही है तो वो तो समझ जाएगा अच्छा ये तो मेरी फीमेल भी है नहीं अच्छा ये मुझे बुद्धू बना रहे हैं तो क्या करना पड़ेगा अगर जिस जिस हिसाब से एनिमल इवॉल्व कर रहा है उस हिसाब से उसके प्लांट को भी इवॉल्व करना चाहिए अगर ये नहीं करेंगे ना बेटा तो एक दूसरे को एक्सप्लोइ नहीं कर पाएंगे और मर जाएंगे तो प्लांट और एनिमल का जो रिश्ता होता है ना म्यूचुअलिज्म में वो कोई है, को इवोल्यूशन मतलब है दोनों ऑर्गेनिज्म जो पार्टिसिपेट करते हैं उनको साथ साथ इवॉल्व करना चाहिए नहीं तो पकड़े जाएंगे और हो जाएगा काम खराब तो आप देखो ये देखो ये वाला ये ऑर्किड है फ्लावर है बेटा और आपको ये जो देखने में ऐसा लग रहा है ना बी है ये बी नहीं है ये इनका पेटल है जिन्होंने अपने उस पेटल को फीमेल बी की तरह कन्वर्ट कर लिया है अगर शायद मैं आपको नहीं बताती तो आपको लगता है ये कीड़ा है जिसको पोलिनेट कर करा है नहीं ये इनका फ्लावर है ये इतने स्मार्ट और की स्पीशीज हैं कि इन्होंने अपने एक पेटल को एक पेटल है सिर्फ ये अपने एक पेटल को फीमेल बी की तरह कन्वर्ट कर दिया अगर हम बुद्धू हो जा रहे हैं बेटा हमें भी ऐसा लग रहा है तो जो मेल मेल बी है उसको भी ऐसा लगता है तो मेल भी ऐसा लगता है फीमेल इसके पास आता है इसके साथ सीडो कॉपुलेट करने की कोशिश करता है और इस दौरान वो अपने ऊपर पॉलिन चिपका लेता है जब ये दूसरे के पास जाएगा सेम यही प्रोसेस रिपीट करने के लिए तो इस पॉलिन को उधर गिरा देगा और पॉलिनेशन ले आएगा तो इस तरीके को सेक्सुअल डिसीट कहते हैं सेक्सुअल डिसीट क्यों बिकॉज को धोखा मिल रहा है और सीडो कॉपोलूशन बोलते हैं बट ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है बेटा इवोल्यूशन इवोल्यूशन का का क्यों क्योंकि ये देखो जो मार्किंग्स मार्किंग्स हैं मान लो बी हो हो गया और उसकी चेंज गई लेकिन ऑर्किड को पता ही नहीं है ऑर्किड ने अपने आप को इवॉल्व किया ही नहीं उसके अकॉर्डिंग ये पुराना वाले ही बी बनाती जा रही है तो नया वाला जो मेल है ना समझ जाएगा और पकड़े जाएंगे इसीलिए अगर बी इवॉल्व कर रहा है तो इस प्लांट को भी करना पड़ेगा ठीक है तो ये चीज लिखी हुई है हमारे एनसीईआरटी में तो आप देख लो यहां पर कि जो प्लांट और एनिमल का इंटरेक्शन होता है बेटा वो कोई इवोल्यूशन पैटर्न शो करते हैं वो क्या शो करते हैं बेटा वो कोई इवोल्यूशन पैटर्न शो करते हैं कोई इवोल्यूशन एक प्रकार का इवोल्यूशनरी मैकेनिज्म है जहां पर अगर एक बायोलॉजिकल ऑब्जेक्ट में चेंज होगा तो दैट विल बी ट्रिगर्ड बाय द चेंज ऑफ रिलेटेड ऑब्जेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट में चेंज हो रहा है अगर बी में चेंज हो रहा है तो दूसरे प्लांट को भी चेंज लाना पड़ेगा ठीक है मिटुलिज्म के बाद एनसीईआरटी भी रीड कर ली हमने अच्छा तुम्हें ना ऐसे ऐसे हेडिंग्स नहीं दिखाई देंगे एनसीईआरटी में बच्चे बोलते हैं मैम ये टॉपिक ही नहीं है सब मिलेगा आपको बेटा एवरीथिंग इज इज देयर पैराग्राफ्स में दिया हुआ है नेक्स्ट है बेटा कमेंसलिज्म कमेंसलिज्म क्या बताया था प्लस और जीरो एक को फायदा एक को बाबा जी का टुल्लू कुछ नहीं मिलता इन रिटर्न तो एक स्पीशीज को बेनिफिट होता है अदर को ना कोई हार्म ना कोई बेनिफिट जो स्पीशीज बेनिफिट खो रहा है उसको कमेंसल बोलते हैं जिसका फायदा उठा रहे हो वो होस्ट कहलाता है अब एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं जैसे एपी फाइड्स एपी का मतलब होता है ऊपर फाइट्स का मतलब होता है प्लांट्स कुछ प्लांट्स जैसे ऑर्किड आपको किसी और प्लांट के ऊपर ही मिलते हैं जैसे ऑर्किड जनरली आपको मैंगो के ऊपर ग्रो करता हुआ दिखाई देगा मैंगो को क्या मिल रहा है कुछ भी नहीं मैंगो इज गेटिंग नथिंग जीरो ठीक है तो मैंगो यहां पर किसकी तरह काम कर रहा है पोस्ट की तरह ऑर्किड को क्या मिल रहा है ऑर्किड गेट्स शेल्टर ऑर्किड को मिला यहां पर फायदा फायदेमंद कौन रहा ऑर्किड तो जो फायदेमंद रहता है उसको हम क्या कहते हैं कमेंसल उसके बाद देखो बर्नाकस जो वेल के बैक के ऊपर ग्रो करती हैं, तो बर्नाकल जो उसके ऊपर रह रही उनको क्या मिल रहा है उनको मिल रहा है शेल्टर ठीक है वेल को क्या मिल रहा जीरो कुछ भी नहीं तो जिसको कुछ नहीं मिलता वो होस्ट जिसको फायदा मिलता है जिसको फायदा मिलता है उसको क्या बोलते हैं कमेंसल बर्नाकल देखी है कभी आओ मैं दिखाती हूँ वर्चुअली आपको चलो मैं दिखा देती हूं ये देखो ये है वेल और वेल के ऊपर छोटे छोटे जो आपको प्राणी दिखाई दे रहे इंसेक्ट्स दीज आर बर्नाकल्स ठीक है तो ये आपको मिलते हैं इनको फायदा मिल रहा है वेल को कुछ भी नहीं मिल रहा तो इस रिश्ते को कमेंसलिज्म बोलते हैं जिसको फायदा है, कमेंसल जिसको कुछ नहीं होस्ट फिर क्लाउन फिश जो सी एनिमोन के अराउंड रहती है तो सी एनिमोन आपने पढ़ा हुआ होगा उनके पास एक टेंटिकल्स होते हैं जिसमें टॉक्सिक होता है उसको स्टिंगिंग टेंटिकल्स बोलते हैं तो सी एनिमोन हमेशा अपने आप को सॉरी क्लाउन फिश हमेशा अपने आप को सी एनिमोन नीमो मूवी देखी होगी शायद तुम लोग ने नहीं देखी है तो प्लीज देखना या स्कूबा डाइविंग की होगी सी एनिमोन को देखने के लिए पानी में ऐसे 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 करके घूमते रहते हैं और उन्हीं के अराउंड रंग बिरंगी मछलियां होती है तैरते तो हुए नजर आती हैं आप डायग्राम देख लो वर्चुअली ये देखा होगा बेटा अब ये वीडियो नहीं है इमेज है नहीं तो जो आप वीडियो देखते हो अगर स्कूबा डाइविंग की होगी तो शायद आपने देखा होगा ठीक है पानी साफ होना चाहिए स्कूबा डाइविंग के लिए अच्छी जगह देखोगे तो मिल जाएगा आपको ठीक है तो आप जब जाते हो नीचे डाइव मार के डाइवर्स के साथ ही जाते हो स्पेशली तो ये जो आपको लंबे लंबे दिखाई दे रहे हैं ना ऐसे ऐसे घूमते हुए नजर आते हैं और ये जो टेंटिकल्स है ना इस पर टॉक्सिक है ये क्लाउन फिश ऑरेंज कलर की यहीं पर आपको ज्यादातर दिखाई देती होंगी क्यों क्योंकि सी एनिमोन उनके बॉडी गार्ड मछलियों के बॉडी गार्ड सी एनिमोन क्योंकि सबको पता है सी एनिमोन खतरनाक है क्यों क्योंकि क्यों सी एनिमोन के पास टॉक्सिक है तो कोई आता ही नहीं इसके नजदीक ठीक है अब जब बॉडी गार्ड रहेंगे या आपके पास गार्ड है तो आपको कोई मारने ही नहीं आएगा तो स... इस मछलियों को क्या मिल रहा है क्लाउन फिश को प्रोटेक्शन किससे प्रोटेक्शन मिल रही है सी एनिमोन के रहने से सी एनिमोन को कुछ मिल रहा है कुछ भी नहीं मिल रहा तो क्लाउन फिश को क्या मिल रहा है क्लाउन फिश गेट्स प्रोटेक्शन फ्रॉम स्टिंगिंग टेंटिकल्स टेंटिकल्स ऑफ सी एनिमोन तो फायदा किसको मिला क्लाउन फिश को क्लाउन फिश यहां पर क्या है बेटा क्लाउन फिश यहां पर कमेंसल है सी एनिमोन को क्या है यहां पर होस इसको कोई फायदा नहीं मिल रहा एक एग्जाम्पल जो एनसीआरटी देती है वो कैटल एग्रेट्स का है ये कैटल एग्रेट्स एक प्रकार की बर्ड्स होती है बेटा ये देखो ये देखो ये गाय है गाय तुमने देखा होगा बेटा जब गाय चरती है घास को खाती है तो आपने देखा होगा कुछ बर्ड्स वहीं पर बैठी रहती हैं तो ये जो बर्ड्स होती है ना बेटा ये कैटल एग्रेट्स होती है क्योंकि ये जो बर्ड्स है जहां जहां पर गाय भैंस होती है ये वहीं पर दिखाई देती है कैटल्स के अराउंड इनको इसीलिए कैटल एग्रेट्स कहते हैं क्यों रहती है जब ये गाय झाड़ियां खाती ना बेटा इस झाड़ियों पर जब फीड करती है तो इससे निकलते छोटे मोटे कीड़े मकौड़े मो उन कीड़ों मकौड़ों पर ये बर्ड्स फीड करती हैं इसीलिए वो हमेशा अपने आप को कहां रखती हैं ये आपको जनरली वही मिलेंगे जहां पर ये गाय भैंस दिखाई देगी गाय भैंस खाएगी घास उस घास से जब कीड़े निकलेंगे तो वो खाएंगे ये बर्ड्स तो कैटल एग्रेट्स हमेशा फोराज फोराज मतलब चारा खाती चढ़ती हुई नजर आती है जहां पर कैटल्स फीड कर रहे होते हैं

ये इट इज नॉट इन डायग्रामीआर टी मैं आपके लिए लेकर के आई हूं थोड़ा सा वर्चुअलाइज कर सको विजुअलाइज कर सको ठीक है वर्चुअल अंडरस्टैंडिंग सो नेक्स्ट हम मिलेंगे बेटा दैट ऑल फॉर लेक्चर एक लेक्चर और मिलेगा रेस्ट ऑफ पॉपुलेशन इंट्रैक्शन के लिए उसमें कुछ क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे तो प्लीज रिवाइज करके कर आना तभी आप उन क्वेश्चन को कर पाओगे प्रैक्टिस शीट जरूर करना बिकॉज उसमें आपको सब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर मिलते हैं चैप्टर को फिनिश करते हैं तब तक के लिए बाय बाय टेक केयर एवरी वन बाय बाय